ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जो किसी न किसी रूप में हनी ट्रैप मामले का खुलासा कर रहे हैं। वर्मा ने कहा, अब तो सबूतों के साथ नेताओं और अधिकारियों के किस्से सामने आ रहे हैं। हनी ट्रैप मामले में रोज हो रहे खुलासों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, जो लोग इस तरह के मामलों में फंसे हुए हैं, समाज के अंदर मध्य प्रदेश के वातावरण को दूषित करते हैं। उन लोगों के खिलाफ यदि कोई सबूत सामने आ रहा है तो प्रशासन और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिनकी कॉलर सफेद थी, अब काली हो रही है। ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रदेश का खूब शोषण किया, करोड़ों अरबों रुपए कमाए। उन लोगों की हनी ट्रैप में संलिप्तता है। ऐसे लोगों का खुलासा करने वाले व्यक्ति और संस्था का धन्यवाद। कई लोगों के है इस तरह के हनी ट्रैप में जो लोग इन्वॉल्व थे। मैंने बार बार कहा कि समाज में एक ऐसा जहर घोलने का काम उन सरमायादार लोगों ने किया जिनकी कॉलर सफ़ेद थी लेकिन काली हो गई। कई ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस प्रदेश का खूब शोषण किया, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, वो लोग इस कांड के अंदर उनकी संलिप्तता है। और उस व्यक्ति को धन्यवाद, उस संस्था को धन्यवाद जिसने इस बात का खुलासा दम। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।